भैया एक दूध दे दीजिए ना। भैया मेरे पास 100 ही रुपये हैं, मैं बाद में दूँ तो अरे चलेगा? यार, नहीं 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 ऐसा नहीं होता है। भैया पुराना हिसाब तुम्हारा पहले का ही बाकी है, अभी ले जा रहे हो, नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा भाई। प्लीज़ भैया, जब भी मेरी नौकरी लग जाएगी मैं दे दूंगा भैया। भाई मैं क्या करूँ, मेरा भी धंधा है, पुराना हिसाब क्लियर करो फिर ले जाओ ना, ठीक है? भैया रिक्वेस्ट है, मैं दे दूंगा आपके सारे पैसे, जैसे ही मेरी नौकरी लग जाएगी मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा। ठीक है ले जाओ, दे देना लेकिन। हाँ थैंक यू भैया। दे देना याद से। हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर दिस इज राजीव कुमार स्पीकिंग सर, फ्रॉम यस, गोरेगांव ईस्ट सर। ओके सर एक्चुअली आई हैव गॉट योर नंबर फ्रॉम न्यूज़पेपर सर। ओके। सर एक्चुअली लुकिंग फॉर द जॉब सर। सो राजीव, आर यू ग्रेजुएट? यस सर आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन सर। विच सब्जेक्ट? यस सर बीकॉम सर। ओह सॉरी राजीव, वी आर लुकिंग फॉर आईटी गाइस। ओके सर, बेस्ट ऑफ लक। ओके टेक केयर। सब ओके। अरे हेलो, यस, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, दिस इज राजीव कुमार यस फ्रॉम गोरेगांव ईस्ट मैम। यस टेल मी राजीव। मैम एक्चुअली आई एम लुकिंग फॉर द जॉब। एक्चुअली आई गॉट योर नंबर फ्रॉम न्यूज़पेपर। सो राजीव, हैव यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन? यस मैम, यस। ओके एंड व्हिच कोर्स यू हैव डन? मैम आई हैव डन बीकॉम मैम। ओके यस मैम। सॉरी राजीव, वी डोंट हैव एन ओपनिंग फॉर यू। हेलो। ओके मैम, इन फ्यूचर इफ देर इज एनी थिंग प्लीज प्लीज कॉल मी मैम, प्लीज। एब्सोल्युटली राजीव, इट बी अ ह्यूज हेल्प, प्लीज मैम। हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर, सर राजीव बोल रहा हूँ सर। हाँ जी राजीव जी, कहिए। सर आपका नंबर मैंने न्यूज़पेपर से लिया था। हाँ जी राजीव जी, तो कहिए। सर मेरे लिए कुछ काम हो तो। राजीव जी, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है? हाँ सर, मैंने बीकॉम किया है सर। अच्छा तो एक नंबर लिखिए, आपको जॉब मिल जाएगा। हाँ सर, एक मिनट सर, एक मिनट। थैंक यू सर।
मंगिया फटाफट वड़ा पाव दे जल्दी। क्या रे साले चिरकुट, एक तो पिछला उधार दिया नहीं, ऊपर से और उधारी की बात कर रहा है। पहले जो पिछला जो 60 रुपया है ना, पहले वो क्लियर कर, फिर उसके बाद ही कुछ मिलेगा। हाँ हाँ चिल्लाता क्यों है, ले लेना ना। हाँ तो देना। हाँ लेना। पैसा ले लो। वर्सोवा जाएंगे? बैठिए। ओके। साइड पे ले लीजिएगा। कितना हुआ? 100 रुपया मेरे पापा से बात करने में तुम्हारी इज्जत छोटी नहीं हो जाएगी। एंड इफ यू वर्क इन माई डैड्स ऑफिस, इट विल मेक अ रिलेशन गुड। और कम से कम एक ट्राई करने से कुछ नहीं जाता है। वैसे भी तुम्हारे ये छोटे छोटे इंटरव्यू से कुछ नहीं होने वाला है। ऊपर से मेरी माँ मेरे लिए रिश्ते देखे जा रही है, और अगर तुम ऐसे डेट पे डेट डालते जाओगे ना, तो एक दिन मेरी डेट क्लियर हो जाएगी। लिसन यार, आई वॉन्ट टू बी एन इंडिपेंडेंट मैन। मैं नहीं चाहता कि मेरा होने वाला बच्चा हर चीज़ के लिए किसी के आगे हाथ फैलाए। शादी तभी करूँगा जब कुछ बन जाऊँगा। अगर मैं अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता तो मेरा कोई हक नहीं है जिम्मेदारी लेने का। That's why I'm telling you. That's fine. As you wish. तुम्हारा जो मन है ना, तुम्हें जो बनना है बन जाओ। और वैसे भी तुम्हारी वजह से घर में ये डेली डेली ताने सुन सुन के ना मैं थक चुकी हूँ, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। और हाँ, अब मैं तुमसे सिर्फ दोबारा तभी मिलूंगी जब तुम्हारे सर से ये इंडिपेंडेंट का भूत उतर जाएगा। Now our relationship depends on your independent things. परसों मुझे लड़के वाले देखने आ रहे, मेरी माँ ने ज़बरदस्ती ये रिश्ता बुलाया है। अगर तुम्हारी तरफ से हाँ नहीं आई ना, तो मैं उन्हें हाँ बोल दूँगी। एंड देन यू विल हैव नो राइट टू इंटरफेयर इन माई लाइफ। ओके? Thank you.
हेलो, मैं बहुत खुश हूँ। पता है तुम्हें, मुझे एक बहुत अच्छी जॉब मिल गई है। अब तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और देखना, अब हमारी शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। ये लीजिए आपके बाकी के पैसे। अरे वाह। और बचे हुए पैसे रख लीजिए, मैं सामान लेके जाता रहूंगा। थैंक यू।